हेलो क्लास, लोन रिपेमेंट स्केड्यूल का ये तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। सपोज अब आपके क्वेश्चन में है कि एक कंपनी के पांच बोरोवर हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी एंड ई ई, और ये उनका लोन अमाउंट है, ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इतने पीरियड्स में उन्हें देना है। बट सारी की सारी लोन्स जो हैं वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, तो हमारी पीरियोडिसिटी क्या हो गई? चार, ठीक है। और वो हमें कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है स्टार्टिंग के 10 पीरियड का इन सारे के सारे बोरोवर्स के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हमने पुराने जितनी भी वीडियोस थी उनमें ये सीखा था कि हमें लोन रिपेमेंट स्केड्यूल बनाना है जिसमें हमारा सीरियल नंबर है, ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है और क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पे वो आपको डायरेक्टली बोल रहा है इंटरेस्ट रेट का बनाओ। तो इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए हमने पुरानी वाली वीडियो में सीखा था कि हम आईपीएमटी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज पहला आपका जो है बोरोवर वो ए है, तो आईपीएमटी हमने यूज़ किया फॉर्मूला। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हम अब इसको फिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। इसके बाद डिवाइड करेंगे हम इसकी पीरियडिसिटी से जो कि चार है, इसको भी फिक्स कर रहे हैं, ये भी चेंज नहीं होने वाली। पीरियड क्या है हमारा? हमारा पीरियड पहला है पहले साल का, हमने सारे के सारे 10 साल यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो मैं चाहती हूँ कि ये रो फिक्स हो जाए, ठीक है, कॉलम ना फिक्स हो। अगर मैं इससे इस कॉलम पे जाऊँ तो 1 से 2 हो जाए, पर मैं इस रो से नीचे रो पे आऊँ तो ये चेंज ना हो, तो ये 1 का 1 ही रहे। इसका मतलब मेरे को रो फिक्स करनी पड़ेगी। रो फिक्स करने के लिए आप बस रो है जैसे 92 रो है तो इसके आगे आप डॉलर लगा दो, इससे क्या होगा आपका कॉलम फिक्स नहीं होगा, आपकी रो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब आपने रो फिक्स कर दी तो अब मैं कॉलम बढ़ाऊंगी आगे, इसको आगे कॉपी करूंगी तो सारे कॉलम चेंज होते रहेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा, बट अगर मैं नीचे करूंगी तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये भी हो गया। इसके बाद वो कह रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड आपका पीरियड तो सेम रहेगा, इसको फिक्स कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपकी पीरियडिसिटी से, इसको भी फिक्स कर दो। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव और ये प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, आपको ये भी फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये भी नहीं चेंज हो रही। ब्रैकेट क्लोज। अब आपका आ गया आईपीएमटी। अब आपने बोरोवर का फर्स्ट पीरियड का कर लिया और हमने सारे सेल्स चेंज करके सिर्फ ये पीरियड वालों को छोड़ा है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, एक में वैल्यू डालने के बाद आपको सारे या आगे तक लेके जाने ड्रैग करके छोड़ देने। अब ये सारा अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब आप जैसे पांचवे साल का देखोगे, अगर इसको डबल क्लिक करके, तो आपका पीरियड भी सही उठा रहा है, आपका अमाउंट ऑफ लोन भी सही उठा रहा है, पीरियडिसिटी सारी इंफॉर्मेशन सही उठा रहा है, तो आपका एक बोरोवर का 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट हो गया। अब आता है आपका दूसरा बोरोवर। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला ही डायरेक्टली नीचे ड्रैग कर लो, ठीक है, इसको फिर डबल क्लिक करो। अब देखो पीरियड तो सही उठा रहा है क्योंकि हमने रो को फिक्स कर दिया, उसके अलावा सारी वैल्यूज चेंज होगी। D93 की जगह क्या होगा मेरा? D94। B99 बिल्कुल ठीक है, पीरियडिसिटी नहीं चेंज होगी। F92 बिल्कुल ठीक है, 1 ही रहेगा। E93 से क्या होगा? E94। B99 ठीक है। C93 से क्या होगा? C94, ठीक है, ये भी कंप्लीट होगी। अब क्या करना है? एक सेल में सही वैल्यू है तो पूरी ड्रैग करके आपका बी बोरोवर भी हो गया। इसके बाद आता है आपका सी बोरोवर, तो उसके लिए पहले यहाँ से वैल्यू को ड्रैग करो, डबल क्लिक करो, आपका D94 से D95 होगा। B99 आपका बिल्कुल ठीक है, F92 बिल्कुल ठीक है, A94 से आपका E95 होगा और C94 से 95। अब ये सारे सीसी बोरोवर के सारी डिटेल्स हमने पहले सेल में डाल दिए, करेक्ट कर दिए। अब कुछ नहीं करना, कि मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, या तो ड्रैग कर दो या कंट्रोल प्लस आर यूज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद डीडी में या तो ड्रैग कर लो या कंट्रोल प्लस डी कर लो। डी यूज होता है जब ऊपर से नीचे कॉपी करते हैं, आर यूज होता है जब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाते हैं, ठीक है। तो डबल क्लिक करो तो सेम आपका D95 हो जाएगा, D96, आपका E95 हो जाएगा, E96, और आपका C95 हो जाएगा C96।
एंटर, ठीक है, सारा सिलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस आर कर दो। लास्ट है आपका ईई बोरोवर, तो पहले इसी को कंट्रोल प्लस डी करके कॉपी कर लो पहले ऊपर वाले फॉर्मूला को, फिर D96 से अपना कर लो D97, E96 से कर लो अपना E97 और C96 से कर लो अपना C97, एंटर, और इसको भी पूरा करके कंट्रोल प्लस आर। अब आपके सबका कैलकुलेट हो गया है, किसी भी रैंडम को चेक करके देख लो वैल्यू सही उठा रहा है ना, उसी बोरोवर की उठा रहा है और उसी पीरियड की उठा रहा है, ठीक है, सारा हो गया। अब आपको टोटल क्वार्टर लिखना है, टोटल के लिए हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। पूरा ये हो गया आपका, एक में लगा दिया फंक्शन, उसके बाद तो आपको कंट्रोल प्लस आर करना है या ड्रैग करना है सो डैट ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाए। तो हमेशा फॉर्मूला ऐसा लगाओ जिससे आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप डॉलर्स लगा लो जिससे बस आपको फॉर्मूला ड्रैग या कॉपी पेस्ट ही करने पड़े, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कॉमेंट में लिख देना, थैंक यू।